मास्क जब उसे मांग रहा था जब तक उसको फुटेज नहीं दिखाया। मैं नौशाद नाम का व्यक्ति ने उनको हार्म करने की कोशिश करी और जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी के फतेहपुर जिले में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां सराफा व्यापारी को लेनदेन के मामले को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा सर कलम करने की धमकी दी गई। मामले पर स्थानीय पुलिस द्वारा सही कार्रवाई न किए जाने से नाराज सराफा व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक के चौखट पहुंचकर सुरक्षा की मांग करते हुए सर कलम की धमकी देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया और प्रशासन को यह भी चेतावनी दिया है कि अगर सख्त कार्रवाई न हुई तो धरने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस की सही कार्रवाई न होने से सराफा व्यापारियों ने आज दुकान बंद करते हुए मार्केट बंद रखी। सराफा व्यापारियों के साथ पहुंची सनातन धर्म की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हिंदू की सुरक्षा को लेकर वे कोई समझौता नहीं करेंगे, प्रदेश स्तर पर इस मामले पर बात करेंगे। फतेहपुर जिले के चौकस्थ सराफा व्यापारी आनंद स्वरूप स्तोगी को बीते दिनों गिरोह गांठ की लेनदेन को लेकर एक वर्ग विशेष के लोगों ने सर कलम करने की धमकी देते हुए सोना लूटने का प्रयास किया। इस मामले की स्थानीय चौकी पर शिकायत करने पर चौकी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे भयभीत होकर सराफा व्यापारी आनंद स्वरूप स्तोगी ने सराफा व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप स्तोगी उप पप्पन से इस मामले पर कार्रवाई की बात किया, जिस पर सराफा व्यापारी संगठन ने आज पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह से मिलते हुए धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। व्यापारियों के साथ पहुंचे सनातन धर्म रक्षा के प्रदेश अध्यक्ष शुभम स्तोगी ने कहा कि एक वर्ग विशेष द्वारा सर कलम करने की धमकी देकर हिंदुओं को डराने का काम किया जा रहा है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को वे प्रादेशिक स्तर पर बात करेंगे। पीड़ित आनंद स्वरूप स्तोगी ने बताया कि वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तभी अबुनगर रेडिया के रहने वाले नौशाद व अल्ताफ चौक स्थित दुकान में आकर गिरवी रखे हुए जेवरात की मांग करने लगे तो उनसे हमने कई वर्ष पहले रखे गए गिरवी जेवरात को छुड़ाने की बात कही तो नए गिरवी रखे जेवरात छुड़ाने की मांग करते हुए दोनों सर कलम करने की धमकी देने लगे। पुराना गिरवी जेवरात नहीं छुड़ाया गया, वही जेवरात दे दो। पुलिस के समझाने के बावजूद दोनों जवान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हम सभी व्यापारी पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को जेल भेजने की मांग किया है। आज एसपी साहब के पास जो हम लोग आए हैं उसका मेन कारण ये है कि आज आनंद स्वरूप रस्तोगी जी को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके व्यापार प्रतिष्ठान में नौशाद नाम का व्यक्ति ने उनको हार्म करने की कोशिश करी और दो दिन तीन दिन पहले की ये घटना रही और आज जो है उनको और प्रताड़ित किया गया। और मामला ये है और प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अखिल भारतीय सनातन नाथ धर्म परिषद का प्रदेश अध्यक्ष शुभम रस्तोगी मेरा नाम है, मैं ये चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि सराफा मार्केट में इस तरह की घटनाएं एज ए समझ लीजिए रोज का हो गया, इसको रोक लगाया जाए और एक कमेटी गठित करें। सर पे ही कोतवाली है चौक में, उस थाना भी लगता है, पर इस तरह की घटनाएँ जब आ जाती हैं तो बड़ा सोचने का एक विषय हो जाता है कि सराफा मार्केट अपने हाथ में जान रख करके निकले। समय आने पर टैक्सेशन दे रहा है, हर व्यवस्थाओं को वो कर रहा है, चंदा दे रहा है, तमाम चीज़ें हैं। आज उनके लिए अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो बड़ा ये गलत विषय है। और अपराधियों का इतना मन चढ़ गया है और ऐसी सरकार जिसने अपराधियों की कमर तोड़ दी, आज फतेहपुर जनपद में इस तरह की वारदात हो जाना ये बड़ा निंदनीय है और प्रशासन को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मामला क्या है? मामला ये है कि मामला लेन देन का मामला था। अब वो व्यक्ति ने पहले भी उनको काफ़ी ज़्यादा धमकी आनंद स्वरूप रस्तोगी को दिया, धमकी यही दिया कि भैया लेन देन का मामला था और उसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अब इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं एक व्यापारी को और प्रतिष्ठित व्यापारी को, ऐसा नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, चौकी जो आप चौकी थाना वगैरह में महिला और को बुला लेना घर से, बल्कि आप समझिए उस लड़के के चक्कर में जिसने धमकी दे रहा है वो लड़का चौकी पहुंचता है, उसके बाद इनको बुलाया जाता है परिवार के लोगों को, क्या ये उचित है? जब महिला को बुलाया जाता है तो महिला आयोग महिला समिति के लोगों को, भाई प्रशासन क्या है? मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या है? हम ये चाहते हैं, आज इनके ऊपर हमला ये हुआ कि उनको डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद हमले करने की क्षमता वो करी, इसलिए आज व्यापारी आक्रोश में आ गया है और शासन प्रशासन दोनों इस चीज़ को ये बिल्कुल गांठ बांध लें कि तुरंत मुकदमा दर्ज कराए, उसको तुरंत रियासत में ले। तो ये आज स्वतः दोबारा ये घटना घटी है, ये दोबारा ये घटना घटी है।
और ये बहुत निंदनीय है, ये बार बार ऐसा अगर इस तरह होता रहेगा तो ये व्यापारी, जैसा कि आज व्यापारी बंदी करे हुए हैं, कब तक ये चलेगा? ये जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक ये व्यापारी जो है बंद रखेंगे और इसमें कतई सुनवाई नहीं होगी। क्या नाम है? ये मेरा नाम शुभम रस्तोगी है और मैं अखिल भारतीय सनातन धर्म परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद यही कहा कि हमको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करेंगे और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बंद कर दिए एवं सीओ और वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों की एक बैठक करी। मामला क्या था? मामला हमारा ये था, हमारे यहाँ एक कस्टमर आया, उसका गिरवी रखा हुआ था, जो एक बाहर वाले गिरवी को छुड़ा रहा था, पहले वाले गिरवी को नहीं छुड़ा रहा था। तो बस मैंने इतना ही कहा कि पहले वाले को छुड़ा दो या उसका ब्याज दे दो, बाद वाले को आ। धमकी किस तरीके की दी गई? और फिर उसने धमकी दी। क्या धमकी? और बहुत तेज किया उसने धमकी में, गाली गलौज किया और कहा सर कलम कर दिया। तो जैसा कि इसमें माफी भी उसने मांग ली थी, अब मुकदमा दर्ज हो गया, क्या दोबारा सोता है ऐसी फिर दोबारा घटना की? माफी कहा? माफी जब उसे मांग रहा था, जब तक उसको फुटेज नहीं दिखाया गया, उसकी आवाज नहीं दिखाई गई और सब मीडिया कर्मी खड़े हुए थे, उसके जब उसने ये मालूम हो गया कि हमारी गलती है, तब उसने कहा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती है। अब क्या किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है? मुकदमा दर्ज होने के बाद दिक्कत क्या आ रही है? मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुलजिम को पकड़ा नहीं गया। उसकी जो दुकान है वो बराबर खुल रही है, उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने बंद भी नहीं कराया और न उसके घर के किसी आदमी। चौकी वाले? क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद सब प्रस्तुत। फतेहपुर से सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट।